होगा। बाकी फसल के पैदावार पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ना ना ना, कोई खास असर नहीं पड़ता है, बस दिक्कतें आती हैं इनको काटने में। आप कितने बड़े काश्तकार हैं, मतलब आपके कितने खेत होंगे लगभग? सर खेत का तो आप ना पूछे, मैं 125 बीघे का काश्तकार हूँ। और क्या कहते हैं हमारे तो क्या सब जगह धान की फसल लगाई है? ना भाई ना, अभी तो क्या कहते हैं बहुत से मेरे खेत ऐसे पड़े हैं जिन पे मैं कुछ लगा ही नहीं पाया हूँ और वो वैसे ही पड़े हुए हैं। और मैंने और बहुत से खेत मैंने अपने मजदूरों को दे रखे हैं जिसमें वो मतलब इतने सक्षम नहीं है और अपना घर परिवार नहीं चला सकते हैं, उनको हमारे यहाँ रहने के लिए घर दिया गया है और उनको खेत दिए गए हैं और उनको जो भी खेती करते हैं उसका जो भी खर्च आता है वो हमारे परिवार की तरफ से उन्हें दिया जाता है। अभी किसी खेत में आपने शुरुआत की है कटाई की या कहीं नहीं? अभी नहीं, बस अभी इसका शुरुआती कार्य कल से शुरू होगा। आलू की बुवाई में आपकी प्रगति कहाँ तक है, क्या आप आलू उगा रहे? कार्य चल रहा है हमारा, जैसे कि अभी आप आगे चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे हमारा जो सुरजी वाला अफरे में एक खेत है और वो वहाँ पे आप अभी पहुँचेंगे तो वहाँ पे आलू का काम चल रहा है सर। तो खेतों का काम जो मजदूर वहाँ लगे हुए हैं, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर में जब वहाँ चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे कार्य हमारा चल रहा है और कार्य हमारा वहाँ पे प्रगति पे है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। सर अभी रखिए, मत और भी बताना सर समय, अब घड़ी का इशारा हो चला है, कहते हैं अलविदा, जय हिंद। मजदूर से तू ले लीजिए सर, मजदूर किस पास चलते हैं? हाँ। मजदूर आपका काफी स्टाइलिश लग रहा है, ये लग नहीं रहा है कि मजदूर सर। मैंने इसको पाला ही इसी तरीके से है कि अब ये अपने आप को खुद नहीं कहता मजदूरी, मुझे समझने लगा अब तो। काफी फ्रैंक मजदूर है, आप ही कब मिलजुल के रहते हैं, वाकई भारत को, सच्चे भारत को इसी की जरूरत है। महात्मा गांधी होते रोने लगते। हमारे घर परिवार का एक ही नियम है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई मालिक नहीं, सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं। जो खाना मैं खाता हूँ वही इन्हें खिलाता हूँ, जो मैं पहनता हूँ वही इन्हें पहनाता हूँ। बल्कि मैं एक बार थोड़ा कम अच्छा भी पहनूंगा, लेकिन अपने मजदूर को मैं अच्छे से अच्छा पहनाने की कोशिश करता हूँ। और यही है कि हमारे यहाँ इतने सालों से टिके हुए हैं और छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं। क्या आप भगाने की कोशिश की कभी? ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है कि जो हमारे यहाँ से आ गया वो हमारे यहाँ से ही जाएगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ये एग्रीमेंट मैंने इनसे जब इनको शुरुआत तो क्या ये मधुआ मजदूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, अब ये जाना चाहता है तब भी नहीं जा पा रहा आपको? नहीं, जाना ही नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात तो ये हो। जाना, क्या आप जाना चाहते हैं? मालिक से परेशान है, केस करना चाहते हैं इनके ऊपर? कितना जुर्माना? केस करके कर क्या लेंगे ये हमारा? ये तो दबंगई हो गई सर, केस करने के लिए भी इनको ये तो दबंगई हो गई। इनको केस करने के लिए भी जो पैसा चाहिए वो भी ये हम ही से ले। अरे लड़ाई मत करिए आप लोग मालिक है। अरे एक मिनट भैया, लड़ो मत, लड़िए मत, लड़िए मत, लड़िए मत।